गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अभी मैं अपने हस्बैंड और बेटे का ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करूँगी। अभी किचन में चलते हैं हम। सबसे पहले किचन में जो बर्तन होते हैं नाइट के धुले हुए, मैं इसको अपनी इसकी जगह पे लगा देती हूँ। मैं फटाफट से ये कर दूँगी, उससे कि जो भी मुझे बर्तन चाहिए होते हैं बहुत ईजिली मिल जाता है। ये भी टिफ़न भी ईज़िली मिल जाते हैं और सूखे मिलते हैं। अब जैसे बेटी वगैरह का पैक करना है लंच, तो सूखे मिलेंगे। रात को ही मैं इधर रख देती हूँ। अब मैं एक गिलास पानी लूँगी, गर्म पानी पीऊँगी। मेरी छोटी बेटी जाग गई है, तो उसके साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना पानी। 10 मिनट्स मैं बैठूँगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करूँगी दोनों का। मैंने पानी पी लिया है। अब मैं अपनी बेटी के लिए आलू पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी, उसे रोटी में रोल करके दे दूंगी। उसके लिए मैं एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर। अभी आलू डाल दूंगी और इसको एकदम क्रिस्पी सा कर लूंगी। इसको ढक के अच्छे से गला लूंगी, ये क्रिस्पी से हो जाएंगे। मैंने सॉल्ट डाला है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से हो गए हैं क्रिस्पी से। अब मैं इसमें पालक डाल दूँगी। ये सब्ज़ी एक हेल्दी सब्ज़ी रहती है, पालक हो जाता है इसमें। और मैं इसका रोल अपनी बेटी के लिए तैयार कर दूँगी। देखिए सब्ज़ी एकदम रेडी है। अब मैं दूसरी तरफ अपने हस्बैंड का रेडी करूँगी लंच एंड ब्रेकफास्ट। मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, उसमें हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और काली मिर्च, ये डाल के अच्छे से मिला के इसमें लहसुन डाल लिया है। अब टमाटर डाल लूँगी, आलू, मूली और मूली के पत्ते, इसको डाल के एक बार सॉटे कर लूँगी। फिर इसमें बैंगन डाल दूँगी, 1 मिनट के लिए छोड़ के इसमें बैंगन डाल दिए मैंने। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, आप एक बार ट्राई करिएगा। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें 2 सीटी ले लूँगी। अब मैं एक तरफ अपनी बेटी का लंच पैक कर रही हूँ, उसके लिए मैं रोटी बना रही हूँ। आलू पालक की सब्ज़ी मेरी रेडी है। मैं मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ, हस्बैंड का ही जब अपनी बेटी का बनाती हूँ तो मेरे लिए मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। ये रोटी एकदम रेडी है। अब मैंने इसको अच्छे से घी से चुपड़ लिया है और इस पर आलू पालक की सब्ज़ी लगा लूँगी। बस इसका रोल बना लूँगी और लंच एकदम बेटी का रेडी है। एक एप्पल कट कर लूँगी उसके लिए, कि जब भी उसे टाइम लगे, भूख लगे तो वो खा ले। बाय अर्शिया। अब मैं 10-15 मिनट्स अपनी छोटी बेटी को देती हूँ, थोड़ी देर उसका बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से ही कितना खुश हो जाते हैं। अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी, योगा करूँगी, थोड़ा सा टाइम अपने को दूँगी। उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी ज़रूर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रहे होंगे। पहले वार्म अप करूँगी, कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन में से थोड़ा सा तो टाइम मैं अपने लिए ज़रूर निकालूँ, जिससे कि मैं फुल एनर्जी से रहूँ पूरा दिन और कामों में अच्छे से अपना काम कर पाऊँ।
आप भी ज़रूर शुरू करिए, थोड़ा कम टाइम ही दीजिए, बट किसी भी तरह से अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए। चाहे एक वॉक से ही स्टार्ट करिए, 20 मिनट्स की वॉक से ही। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता तो आप इवनिंग में भी आफ्टर डिनर 20 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं। दोस्तों जानते हैं कि हमें कम से कम 6,000 स्टेप्स एक दिन में लेने चाहिए। मैं अपने हस्बैंड का लंच और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अब मैं उन्हें ब्रेकफास्ट दूंगी। हाँ जी, कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया, यम्मी। Yes, dear. It's called a tasty bunny. मेरी बड़ी बेटी स्कूल से आ गई है और इन दोनों की मस्ती शुरू है। ये इससे कुछ ना कुछ ट्रेन करती रहती है छोटी को। बच्चे खेल रहे हैं। अब मैं अपना स्किन केयर करूँगी। मैं आज घर के सामानों से ही फेशियल कर रही हूँ। उसके लिए मैं कॉफ़ी का यूज़ करूँगी, वो मेरा एक मेन इंग्रेडिएंट है। इसके लिए सबसे पहले मैं क्लींस करूँगी। आप यकीन माने कि फेस वॉश से भी हमारा फेस उतना क्लीन नहीं होता है, डर्ट रह जाती है, जो हमारा मिल्क से होता है। हमें रॉ मिल्क का यूज़ करना है। मैं कॉटन में रॉ मिल्क को लेके अपने फेस को अच्छे से क्लींस करूँगी। नेक को, ईयर को अच्छे से क्लींस करना है आपको। उस एरिया को भी हमें नहीं छोड़ना है। मैं सबसे पहले उसे क्लीन कर लेती हूँ। अब हम अपने फेस को स्क्रब करेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे। उसके लिए मैं चीनी लूँगी। चीनी मैं पीसी हुई चीनी का यूज़ करूँगी, उसमें कॉफ़ी डालूँगी और उससे अपने फेस को स्क्रब कर रही हूँ। और आप यकीन मानिए, देखिएगा कि चीनी से ही आपकी स्किन एकदम ग्लो करेगी और शाइन करेगी, एकदम बढ़िया हो जाएगी आपकी स्किन कॉफ़ी। और आप अच्छे से इसको स्क्रब करिएगा, लाइट हैंड का यूज़ करिएगा और आँखों के आस पास, नेक पे, ईयर पे, हर जगह बहुत अच्छे से करिएगा। आप देखेंगे कि आपकी स्किन इंस्टेंट ग्लो कर रही है। फिर आपको थर्ड स्टेप लेना है एक मसाज का। उसके लिए मैं दही का यूज़ करूँगी। दही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन को लेमन सूट करता है तो आप 2 ड्रॉप्स उसके भी डाल सकते हैं। मेरी स्किन को लेमन सूट नहीं करता है तो मैं नहीं डालूँगी, मैं दही का यूज़ करूँगी। दही को मैं मलमल के कपड़े में थोड़ी देर के लिए मैं टांग दूँगी कि जिससे कि उसका पानी सारा निकल जाए। दही के साथ मैं कॉफ़ी डालूंगी और अपने फेस पे बहुत अच्छे से मसाज करूंगी। ये एक बहुत ही अच्छी क्रीम, मतलब मार्केट से ज़्यादा बेस्ट क्रीम बन जाएगी। आप देखिएगा, इससे अच्छे से पूरे स्किन पर, नेक पर मसाज करिएगा। फिर उसके बाद उसको हमें गर्म पानी में टॉवल को डिप करके फिर फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। आपकी
स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी। फेस पैक के लिए चावल का आटा और कॉफी लूंगी। उसको थोड़ा कच्चे दूध से ही उसको पतला करके उसको फेस पे अच्छे से लगा लिया। बस इसको लगाने के बाद आप थोड़े बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, लेट जाइए, म्यूजिक सुनिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। 15 मिनट बिल्कुल अपने आप को दीजिए, एकदम रिलैक्स रहिए। उसके बाद इसको अच्छे से ठंडे पानी से आपको धोना है। अभी तक अभी आपने गर्म पानी का यूज़ किया था, अब आपको ठंडे पानी का यूज़ करना है। देखिए मेरा फेशियल कम्प्लीट हो गया। मैंने आइस से मसाज किया क्योंकि हमने पूरे टाइम हॉट वाटर का यूज़ किया है, तो हमें आइस यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आइस से किया, देखिए एकदम क्लीन हो गई है मेरी स्किन। एक थम्स अप तो बनता है फ्रेंड, ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरी बेटे की शरारतें देख लीजिए। हाय कर दो, हाय से हाय, टंग दिखाओ यार, हाय कर दो नो। चलिए फिर मैं शावर लेती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। देखिए दो सहेलियाँ कितने अच्छे से गपशप कर रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं डॉल्स। पहली बार किसी पेरेंट्स ने अपनी डॉटर के ऐसे बर्थडे में इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा, एकदम फैमिली वाला फील। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे मोटिवेट करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।